हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रिलेशन के बारे में लेकर आई हूँ। रिलेशन यानी रिश्तेदारी। आप लोगों को रिश्तेदारी में काफ़ी लोगों के नाम पता होंगे, जैसे चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई या पापा मम्मी, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ 10-20 की यहाँ बात नहीं होने वाली, यहाँ पूरे 50 से 60 की होने वाली है बात। तो हम स्टार्ट करते हैं नाना। नाना को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल ग्रैंडफादर। मैटरनल इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये मम्मी की साइड से होते हैं, मम्मी के पापा होते हैं, इसलिए मैटरनल ग्रैंडफादर। नाना ना नानी नानी को हम इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल ग्रैंड मदर। मैंने पहले ही बताया था मैटरनल इसलिए है क्योंकि ये मम्मी की साइड से होते हैं, इसलिए मैटरनल ग्रैंड मदर। गुरु गुरु को इंग्लिश में कहते हैं प्रिसेप्टर। प्रिसेप्टर गुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट, ग्राहक को इंग्लिश में कहते हैं कस्टमर। CUSTOMER कस्टमर ग्राहक को कहा जाता है। फ्रेंड वीडियो लाइक करें। सोतेला भाई। सोतेला भाई को हम इंग्लिश में कहते हैं स्टेप ब्रदर। स्टेप इसलिए क्योंकि सोतेले भाई को हम स्टेप ब्रदर ही कहते हैं। सोतेली बहन। सोतेली बहन को कहेंगे स्टेप सिस्टर। स्टेप सिस्टर। नेक्स्ट आपका संबंध। संबंध को इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिव, यानी ये रिलेटिव भी कह सकते हैं और रिलेशन भी कह सकते हैं, दो नेम है। शिष्य। शिष्य को इंग्लिश में कहते हैं प्यूपिल। PUPIL प्यूपिल। नेक्स्ट आपका है रोगी। रोगी को इंग्लिश में कहते हैं पेशेंट। रोगी। रोगी को इंग्लिश में कहते हैं पेशेंट। PATIENT पेशेंट। नेक्स्ट आपका सोतेले पिता। सोतेले पिता को इंग्लिश में कहते हैं स्टेप फादर। STEPFATHER स्टेप फादर। सोतेले पिता को कहा जाता है सोतेला पुत्र, यानी सोतेला बेटा। इंग्लिश में कहेंगे स्टेप सन। स्टेप सन। नेक्स्ट पुत्र। दत्तक पुत्र को यानी गोद लिए हुए बच्चे को हम कहते हैं दत्तक पुत्र। अगर किसी बच्चे को हम गोद लेते हैं तो अडॉप्टेड सन यूज़ होता है, अडॉप्टेड सन। चाचा। चाचा को इंग्लिश में कहते हैं अंकल। UNCLE अंकल। चाची। चाची को इंग्लिश में कहते हैं आंट। AUNT आंट। काफ़ी लोग इंडिया में आंटी आंटी करते हैं, बट वो थोड़ा रॉन्ग है, इसलिए आंट ही इस्तेमाल होगा, यूज़ होगा ज़्यादातर इसके लिए। उपत्नी। उपत्नी को इंग्लिश में कहते हैं मिस्ट्रेस। जो लेडी किसी व्यक्ति के साथ बिना शादी करे रह रही है उसको हम उपत्नी कहते हैं। अध्यापक। अध्यापक को इंग्लिश में कहते हैं टीचर। TEACHER लाइक करें फ्रेंड वीडियो को। अतिथि। अतिथि या फिर यजमान, इसको यूज़ होता है इंग्लिश में। गेस्ट। GUEST गेस्ट। माता। माता को इंग्लिश में कहते हैं मदर। माता को इंग्लिश में कहते हैं मदर। किराएदार। किराएदार को इंग्लिश में कहते हैं टेनेंट। टेनेंट किराएदार को कहा जाता है। ससुर। ससुर को इंग्लिश में कहते हैं फादर इन लॉ। फादर इन लॉ। नेक्स्ट आपका सास को हम इंग्लिश में कहते हैं मदर इन लॉ। MOTHER इन लॉ। मदर इन लॉ। पति पत्नी। पति पत्नी को इंग्लिश में कहा जाता है हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ। प्रेम। प्रेम को इंग्लिश में कहते हैं लव अफेक्शन। अगर हमें किसी से प्यार हो या फीलिंग्स हो, उसको अट्रैक्शन को हम कहते हैं लव अफेक्शन। प्रेमी। अगर हम किसी से प्यार करें तो यूज़ होता है लवर इस वर्ड के लिए, लवर। दादी। देखो फ्रेंड एक बात और बताती थी, जैसे मैंने मैटरनल नाना नानी बताए थे वैसे ही दादा दादी उनकी तरफ से होते हैं जब पापा होते हैं, इसलिए पैटर्नल ग्रैंड मदर भी बोला जा सकता है इनको। मुवक्किल को इंग्लिश में कहते हैं क्लाइंट। CLIENT क्लाइंट। दामाद। दामाद को इंग्लिश में कहते हैं सन इन लॉ। सन इन लॉ दामाद को कहा जाता है। मामी।
मामी को इंग्लिश में कहते हैं मैटरनल आंट, ये मम्मी की तरफ से होती है, मम्मी की साइड से होती हैं, इसलिए मैटरनल आंट बोला जाएगा इनको। मामा मैटरनल अंकल, मम्मी के भाई होते हैं इसलिए मैटरनल अंकल मामा के लिए इस्तेमाल होता है। जमींदार को इंग्लिश में कहते हैं लैंडलॉर्ड, जमींदार को इंग्लिश में कहते हैं लैंडलॉर्ड। रखेल, काफ़ी फिल्म या सीरियलों में आपने सुना होगा रखेल, तो ये वर्ड इंग्लिश में इसके बोला जाएगा कोक्यूबाइन कीप या फिर मिस्ट्रेस, ये तीन वर्ड्स हैं, आप कोई भी इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं, तीनों रखेल के लिए यूज़ होता है। चेला को हम इंग्लिश में कहते हैं डिसाइपल, डिसाइपल चेला के लिए यूज़ होता है। साली जेठानी देवरानी ननद, इन सब के लिए सिस्टर इन लॉ का यूज़ होता है। तो कभी कभी आपने सुना भी होगा हम इन लॉ के घर जा रहे हैं, ये शॉर्ट फॉर्म से भी इनको इन लॉ भी बोल सकते हैं। बहनोई यानी जीजा जी, ब्रदर इन लॉ इंग्लिश में इसका बोला जाएगा, ब्रदर इन लॉ। बहन को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर, सिस्टर बहन। नेक्स्ट आपका लाइक करें फ्रेंड वीडियो को। पतोहू मतलब बहू को हम कहते हैं डॉटर इन लॉ, डी ए यू जी एच टी ई आर इन लॉ। पिता को इंग्लिश में कहते हैं फादर, ये बात आप जानते ही होंगे फादर। सोतेली कन्या यानी सोतेली बेटी, इसको यूज़ होगा स्टेप डॉटर, स्टेप डॉटर। रोगी, रोगी को कहते हैं पेशेंट, पी ए टी आई ई एन टी पेशेंट। मौसी, इसको यूज़ होता है मदर इज सिस्टर भी बोल सकते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में हम ज़्यादातर यूज़ आंटी भी आंट भी बोल सकते हैं। भाई, भाई को कहते हैं ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर ब्रदर। दोस्त को कहते हैं फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी फ्रेंड। पुत्र यानी बेटा, इसका यूज़ होता है सन, सन इसके लिए मेन वर्ड है पुत्र के लिए। वारिस, वारिस को कहते हैं एयर, एच ई आई आर एयर। सगा यानी अपना, इसको यूज़ होता है ऑन, ओ डब्ल्यू एन ऑन। पुत्री यानी बेटी, इसको यूज़ होता है डॉटर, ऐसे बोलेंगे डॉटर, डी ए यू जी एच टी आर डॉटर। भतीजी या भांजी, एन आई ई सी ई बना नीस, भांजी या भतीजी के लिए यूज़ होता है ये नीस। भतीजा भांजा, ये यूज़ होता है नेफ्यू के लिए, नेफ्यू भांजा भतीजे के लिए होता है। दत्तक कन्या यानी अनाथ आश्रम से ली गई लड़की या बेटी को हम कहते हैं अडॉप्टेड डॉटर, अडॉप्टेड डॉटर। दादा, दादा को इंग्लिश में कहते हैं ग्रैंड फादर। वीडियो फ्रेंड पसंद आए तो मेरा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलो, चाहो तो अपने इस वीडियो को फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं ताकि उन लोगों के लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो, ताकि उसको पढ़ के उनको कुछ नॉलेज मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।